मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए थोड़ा केमिस्ट्री से डिफरेंट मगर केमिस्ट्री में यूज होने वाला टॉपिक लेके आया हूं, लॉगरिथम, जिसका इस्तेमाल मैथ के बच्चे भी कर सकते हैं, फिजिक्स में भी आप कर सकते हैं, या जब भी आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तब आप लॉगरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि न्यूमेरिकल हमसे क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि सर कैलकुलेशन नहीं हो पाती। अब तुम्हें पता है सीबीएसई के अंदर लॉग टेबल इज अलाउड, लॉग टेबल आप लेके जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे लॉगरिथम का इस्तेमाल, मैं फुल डिटेल आपको ये वीडियो देने जा रहा हूं, और मेरी गारंटी है कि इसके बाद अगर आप इसे ढंग से देख रहे हैं तो हर एक व्यूअर को लॉगरिथम अच्छी तरह समझ आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आपको मैं एक छोटा सा मैंने ड्रा किया, क्योंकि इस टाइम में लॉग टेबल तो मेरे हाथ में है नहीं, ना आपके हाथ में होगा। तो लॉगरिथम कैसे, इस तरह से आपके पीछे किसी भी बुक के पीछे लॉगरिथम लॉग टेबल दिया होता है, एक लॉगरिथम होता है, दूसरा एंटी लॉगरिथम होता है। दोनों का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं, मगर लॉग का इस्तेमाल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कुछ रूल्स हैं लॉग के जो आपको याद हो चाहिए, और वो आप नोट कर लेंगे सबके सब बच्चे। जैसे लॉग ए इंटू बी, अगर कोई चीज इंटू में है तो प्लस होगा, यानी लॉग ए प्लस लॉग बी। इसी तरह अगर कोई चीज डिवाइड में है, लॉग ए बाय बी मीन्स लॉग ए माइनस लॉग बी। नेक्स्ट है लॉग ए की पावर एक्स मीन्स एक्स लॉग ए। क्लियर? तो ये आप लोगों को अच्छी तरह याद रहना चाहिए, इन फार्मूला के बिना आप लॉगरिथम जो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर? अब हमारे पास बहुत ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स, हम न्यूमेरिकल जब करते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो लॉग 10 की पावर समथिंग। लॉग 10 की पावर समथिंग जो भी पावर आती है वही आपका आंसर होता है। लॉग 10 की वैल्यू क्योंकि क्या होती है, 1। कैसे होती है सारा भी डिटेल में आएंगे। तो इसका मतलब आप अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं लॉग 10 की पावर 7 है तो वो 7 होगा, लॉग 10 की पावर -20 है तो वो -20 होगा, यानी जो 10 की पावर है वो आपकी वैल्यू आ जाती है। जिन बच्चों के केवल ये 4-5 फार्मूले याद हैं, बाकी मैं टेक्निक्स आपको सिखाने जा रहा हूं कैसे लॉगरिथम, कैसे लोग देखते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज आती हैं। अब लॉग को देखने के लिए सबसे पहले आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए, जो कि आपको पेपर में, चाहे किसी भी सीबीएसई का पेपर हो रहा है या हरियाणा बोर्ड का पेपर हो रहा है या किसी भी अदर बोर्ड का एग्जामिनेशन है, तो लॉग टेबल इज प्रोवाइडेड टू यू, या आपको लॉग टेबल मिलता है। एक में ऊपर लिखा हुआ लॉगरिथम और दूसरे में लिखा हुआ एंटी लॉगरिथम। इसमें ध्यान रखना है जो ये है वैल्यूज, इनको बोलते हैं फर्स्ट टू डिजिट। जब भी हम लॉग देखते हैं तो ध्यान रखना चाहिए हमारे पास 4 डिजिट्स होती हैं, लॉगरिथम 4 डिजिट्स का देखा जाता है। तो पहली 2 डिजिट यहां से स्टार्ट होती है, 10 से लॉगरिथम स्टार्ट होता है, 10 to 99, ये अप टू 99 तक आपके पास गिवन होगा डाटा। फिर अगली जो वैल्यू होती है 0 से लेके 9, ये थर्ड डिजिट कहलाती है, दिस इज कॉल्ड थर्ड डिजिट। अभी मैं इसका मीनिंग भी आपको क्लियर करूंगा कि थर्ड डिजिट का क्या मीनिंग है, यानी अगर मुझे थर्ड डिजिट की वैल्यू देखनी है तो इसके नीचे देखना पड़ेगा। और मैंने वैसे गैप दिया है, मगर ये गैप आपके लॉगरिथम में नहीं होता, कई लॉगरिथम में होता है, कई में नहीं होता। तो ये गैप मैंने खाली ये दिखाने के लिए किया कि अगली जो 1 to 9 वैल्यूज हैं दे आर द फोर्थ डिजिट। अब आपके लिए सर हमें नहीं क्लियर हो रहा बड़े दल, फोर्थ डिजिट थर्ड डिजिट, जैसे कि मैंने आपको कहा लॉग 3.142। अब आपको ये देखना है, अब क्योंकि मेरे पास लॉगरिथम में यहां पर डाटा है नहीं, तो मैं इसके अकॉर्डिंग डाटा बना देता हूं। सपोज करो मुझे देखना है लॉग 10 3 4, 1.013 का मुझे लॉग देखना है। तो जब भी किसी का लॉग देखना है तो ये पहली 2 डिजिट, इसको कहते हैं थर्ड डिजिट, और ये हमारी क्या कहलाएगी, फोर्थ डिजिट। पहले मैं वैसे ही आपको बता देता हूं फिर कैसे यूज किया, क्या टेक्निक अप्लाई की वो अप्लाई करूंगा। अगर मान लो मुझे इसका लॉगरिथम लिखना है तो मैं लिखूंगा 0.10 का, कैसे देखते हैं पहले वो सीख लीजिए, 10 का किसमें देखेंगे, 3 में, 10 का 3 में। तो 3 के नीचे क्या देखो, 0128, जैसे ये 3 के नीचे वैल्यू जो यहाँ पे है मेंशन, हम उसे देखेंगे 10 का 3 में। अब अगला 4 है, कई बच्चे इसी को देख लेते हैं, 4 इसको नहीं देखना। अब ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट कौन सी है, ये तो फोर्थ क्या आएगा इसके नीचे, फोर्थ के नीचे क्या है यहाँ पे, 17। तो जो ये 2 वैल्यूज हैं इनको जोड़ देते हैं, ये इसे हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया।
तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा गया 0145, जो भी आ गया वो डेसिमल के बाद आ जाएगा 0145। अब आपने सर ये 0 पॉइंट कहां से आया, ये कैसे लगाते हैं, ये मैक्सिमम बच्चे इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। लोग तो देख लेते हैं, लोग जैसे 10 का 3, 4 में देखना है, तो 10 का आप 3 के नीचे गए, जो वैल्यू लिखी है वो आपने लिख दी, फिर 10 का 4 में देखना है, 4 डिजिट है, तो 4th के नीचे गए क्या है, 17 है, वो लिख दी, इन दोनों को एड कर दिया, 0 के बाद लगा दिया। अब क्वेश्चन आएगा सर ये 0 पॉइंट कैसे लगाया, तो बिल्कुल आसान सी टेक्निक बता रहा हूं मैं, जिसका भी आपको लोग देखना है ये देख लो डेसिमल कितने के बाद है। अगर मुझे जैसे ये लोग देखना है तो डेसिमल कितने के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो उसमें से एक घटा दो, जितने के बाद उसमें से एक घटा दो, कितने के बाद डेसिमल है, 1 के बाद, तो 1 में से एक गया 0, तो यहां आ गया 0 पॉइंट। अब आप कहेंगे सर मैं आपको और क्लियरिटी करता हूं, मान लो मेरे पास है 103.4 और मैं तुम्हें कह रहा हूं इसका लोग बताओ, व्हाट इज द लोग वैल्यू ऑफ दिस, तो मेरे पास डेसिमल कितने के बाद है, 3 के बाद है, तो 3 में से 1 गया कितना हो गया 2, 3 में से 2 है 1, सॉरी 3 में से 3 में से 1 गया कितना हो गया 2, तो 3 हमारे पास 3 के बाद डेसिमल है, तो जितने के बाद डेसिमल है उसमें से 1 घटा दो, 3 में से 1 गया 2, तो यहां आ जाएगा 2 पॉइंट। बाकी वैल्यू वही रही 10 का 3 और 4 में, 10 का 3 और 4 में देख के मेरा ये आता है 0.145, ये मेरा लोग और सिंपलीफाई करता हूं मैं, मान लो किसी बच्चे को पेपर में आ गया लॉग 1034। अब आप कहेंगे सर लॉग क्या होगा, तो यहां तो कोई डेसिमल दिया ही नहीं है, अभी आपने कहा कि डेसिमल देखो, कोई डेसिमल तो दिया ही नहीं है। अब डेसिमल नहीं दिया तो क्या करेंगे, हम खुद सोचेंगे कि अगर मुझे डेसिमल लगाना है तो मैं कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा सकता हूं, जैसे मेरे पास 1034 है तो मैं इस पर ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि डेसिमल आप कहेंगे जी मैं यहां लगा दूं, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम, तो इसलिए मैं डेसिमल कितने, अब मैं 1034 लिखूं या 1034.0 लिखूं, बात मेरे ख्याल से एक ही है, यानी मैं डेसिमल कितने के बाद लगा सकता हूं, 4 के बाद, डेसिमल कितने के बाद लगा सकता हूं, 4 के, यहां पे डेसिमल कितने बाद आपको लगाना नहीं है, खाली सोचना है कि डेसिमल आएगा तो कितने के बाद आएगा, 4 डिजिट के बाद, अगर 4 डिजिट के बाद आएगा 1 घटा दो कितना बच गया 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, 10 का 3 और 4 में, 10 का जब 3 और 4 में आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0145। मैं क्या बड़े आराम से आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया। अब मैं कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर न्यूमेरिकल आप करते हैं, केमिकल काइनेटिक न्यूमेरिकल करते हैं, सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल करते हैं, तो लोग के बिना कई ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पर लोग रिथम आए गए, नंदा सिचुएशन में लोग आए ही आएगा, अब अगर आपको लोग ही नहीं आता तो मेडिकल कहां से करोगे, तो लोग रिथम सबसे नेसेसिटी कंडीशन है प्लस टू स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि उसके बिना मेडिकल में आंसर, और इवन हायर क्लासेस में भी आप जाएंगे वहां पर भी लोग मिलेगा आपको, लोग टेबल ये समझ लो 9th क्लास से लेके आगे हायर जितनी क्लास का, तो लोग टेबल बहुत ही नेसेसिटी हर एक क्लास के लिए, तो आप इसको ढंग से समझें। अब हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा हम बार बार हम देखते हैं कि हमें पेपर में आता है लॉग 2, अब पेपर में आएगा लॉग 2, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं तो सर लॉग 2 का क्या करूं, 2 तो यहां दिया ही है, यहां तो वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही है, अब 2 कैसे करूं, तो बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैंने अभी आपको कहा डेसिमल कितने के बाद है ये देखना है। अब आपको ये डेसिमल तो है ही नहीं, अच्छा 2 को क्या मैं ऐसे लिख दूं 2.00, 2 और 2.00 का अंतर है, कोई भी अंतर नहीं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2.00, तो आप ये लिख लो क्या दिक्कत है। अब क्या करूंगा, पहली 2 डिजिट का नेक्स्ट में देखूंगा, अब इसी चीज को जब आप आगे चलाएंगे, यहां पे मान लो 20 आएगा, तो इसके आगे जब हम 0 पे जाते हैं तो वैल्यू लिखी होती है 3010, क्या लिखी होती है 3, तो जब मैं 20 का 0 में देखूंगा तो मेरे पास वैल्यू लिखी होगी 3010, मगर डेसिमल कितने के बाद है, 1 के बाद, 1 में से 1 गया 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0.3010, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3010। मैंने आपको कहा लॉग 200, लॉग 200 की वैल्यू क्या होगी, दिमाग लगाओ कितने के बाद डेसिमल आएगा, 3 डिजिट्स हैं, अगर मैं डेसिमल लगाना चाहूं कितने के बाद लगाऊंगा 3 के बाद, अब 3 में से 1 गया 2,
तो यहाँ पे क्या आ गया 2 पॉइंट। अब ये तो फिक्स है, 20 और 0 में तो वैल्यू फिक्स आएगी, लॉगरिथम में जो है वो वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगी, वैल्यू तो वही रहेगी। तो 2.3010 ये लॉग 200 की वैल्यू आ गई। अब कोई आपसे कह रहे सर आप 4 डिजिट की बात कर रहे हो, सपोज करो मेरे पास 5 डिजिट आ गए, मेरे पास कितने डिजिट आए 5। अब यहाँ तो 5 है और आपने कहा लॉगरिथम 4 का या 3 का होता है, तो जितनी मर्जी आज उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को ये पता है डेसिमल कितने के बाद आएगा 5 में से बन गया 4, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 4.20 का 0 में क्या आता है 3010। तो ये मैंने आपको सिखाया बेटा लॉग टेबल कैसे देखेंगे, तो लॉग टेबल देखना सिखाया है। अब नेक्स्ट मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं एंटी लॉगरिथम, उसको भी सीख लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लॉग टेबल का इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एंटी लॉगरिथम की। क्लियर है यहां तक सबको? इसमें कंडीशन और आती है, पहले मैं उसी को ले लेता हूं लॉगरिथम में, फिर तो बाद में ले ही जाएगा। मान लो कभी आप हैं सर डेसिमल ऐसे भी तो आ सकता है, मैं वो वैल्यू लेता हूं जो हमारे पास फिलहाल बोर्ड पे अवेलेबल है 109। ये बड़ी टिपिकल बात है, तो बच्चे मैक्सिमम बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। मैं शॉर्टकट टेक्निक आपको सिखा रहा हूं कि कैसे लॉगरिथम हम करेंगे ऐसी वैल्यू का, अगर डेसिमल पहले आ जाए तो। मैंने तो कहा डेसिमल बाद में आनी चाहिए, अभी पहले आ गया, अब क्या करें हम डेसिमल को आगे ले जाएंगे। मान लो मैं डेसिमल को यहां लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, क्या मैं इसी वैल्यू को ऐसे लिख दूं लॉग 1.09, 10 की पावर कितने डिजिट पीछे गए आगे गए 3, तो यहां क्या आ जाएगा 10 की पावर -3। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताए हैं, तो अब इसका लॉगरिथम क्या होगा, लॉग 1.09 इंटू आ गया प्लस लॉग 10 की पावर -3। अब मुझे इसका लॉग देखना है, तो इसका तो तुम्हें पता ही चल जाएगा, अभी मैंने बताया था 10 की पावर कुछ भी हो तो वो आंसर आ जाता है, फिर -3 आ गया। अब यहां से देख रखा है कितने के बाद डेसिमल मैंने लगाया 1 के बाद, तो यहां क्या आ जाएगा 0.10 का 9 में, तो यहां पे आ जाओ 10 का 9 में कितना दे रखा है 0374। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2.6269, तो आपका जो लॉग की वैल्यू आएगी लॉग 0.00109 उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2.9626। अब आप कहेंगे सर अभी आप कहते शॉर्टकट टेक्निक है तो इतना बड़ा टाइम लग जाएगा, ये टाइम आपको इसलिए लगा कि मैं पहली बार समझा रहा हूं आपको, जब आप खुद करेंगे तो आप शॉर्टकट। अगर मुझे खुद करना होता मैं क्या करता, सपोज करो मैं आपकी जगह हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सब कुछ लिखूंगा नहीं, मुझे क्या करना है लेटर से। अगर मैं आपकी जगह हूं मुझे टेक्निक्स आ चुकी हैं तो मुझे पता है मैं कितने डिजिट पीछे गया 3, तो मैं यही लिख दूंगा -3 प्लस 0 पॉइंट, क्योंकि मैं 1 डिजिट के बाद ला रहा हूं, तो 10 का 9 में आपको पता ही है कितना आ रहा है 0374, बस याद है हो गया सो। अब आपको इजी लग रहा होगा, मगर जब मैंने पहले कहा आप सोच रहे सर इतना टाइम लगे इतने बड़े बड़े आप कर रहे हैं, नहीं कोई टाइम नहीं लगता, व्हेन यू हैव ए गुड प्रैक्टिस तो बहुत कम टाइम लगता है लॉगरिथम में। मुझे जितनी मर्जी बड़ी कैलकुलेशन दे दो 2 to 3 minutes ओनली, मैं लॉगरिथम मेरे हाथ में दे दो मैं कोई भी न्यूमेरिकल जितनी बड़ी कैलकुलेशन आप बना सकते हो बना के दे दो, केवल 2 to 3 minutes लगते हैं। और मैं आपको भी थोड़ी टाइम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व भी करके दिखाऊंगा कि कैसे फास्ट कैलकुलेशन होती है लॉगरिथम का इस्तेमाल करिए। यहां तक क्लियर है? अब कई बार आप न्यूमेरिकल आते हैं कि आपको लॉग की वैल्यू तो दे देते हैं, अब हमें इस्तेमाल करना होता है एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, क्योंकि यहां पे डिपेंड करता है कि वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है या पॉजिटिव में दी हुई है, दोनों केस में अलग अलग तरीका है एंटी लॉगरिथम देखने का। आप ये सर क्या कहना चाह रहे हो? अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, प्लस टू के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, लॉग केसी इक्वल टू केसी दे दिया जाता है, न्यूमेरिकल केसी करते हो, मान लो सारा सोल्व कर पूर के आपकी वैल्यू आ गई -13.45। वैल्यू इससे बनाते ताकि हमारे को कैलकुलेशन में थोड़ी सी इजी हो, -13.0134। सपोज करो मेरे पास एक वैल्यू आ गई, क्योंकि मैं पूरा लॉगरिथम तो यहाँ पे एंटी लॉगरिथम है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा वैल्यू भी तो
आप अगर लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम साथ लेके बैठे तो फटाफट हो जाएगा। अब एंटी लॉगरिथम कैसे देखते हैं थोड़ा सा देखते हैं, पहले थोड़ा सा बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सारे बच्चे। एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम में ध्यान से देखिए तो 0.00 है। एंटी लॉगरिथम हमेशा डेसिमल के बाद की वैल्यू का देखा जाता है। पहला पॉइंट तो ये आपके दिमाग में अच्छी तरह आ जाना चाहिए कि एंटी लॉगरिथम डेसिमल के बाद का देखा जाता है। तो 0.00 है, उसके बाद जो भी है हम उसकी अगली सेम वही, ये पहली दो डिजिट 0 to 9 थर्ड डिजिट और 1 to 9 फोर्थ डिजिट कहलाती है। क्लियरिटी है? अब देखते हैं, जैसे मान लो मुझे ये क्वेश्चन करना है तो पहली बात तो नेगेटिव के केस में क्या करेंगे, ऐसा करते हैं बेटा पहले पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव थोड़ा सा इजी होता है। सपोज करो ये पॉजिटिव में वैल्यू, तो पॉजिटिव में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, नेगेटिव में थोड़ा सा टेक्निक सिखानी पड़ेगी, वो भी सिखाता हूं मैं आपको। पहले पॉजिटिव लेते हैं, सपोज करो मेरे पास ये वैल्यू आ गई KC=31.1034। अब मुझे क्या करना है, जो भी डेसिमल से पहले है उसको ध्यान रखो, पहले इसका भी काम है, ये नहीं किसे छोड़ देना है। अब केसी देखना है तो केसी क्या हो जाएगा, एंटी, एंटी लॉग किसका देखना है 31.0134 का। अब डेसिमल के बाद होता है, पहली दो डिजिट क्या है 0101 का 3 और 4 में हमें देखना है। तो 0101 ये रहा, 01 का किसमें देखना है मुझे 3 और 4 में, 3 में वैल्यू क्या है ये, अब 4 ये नहीं रहेगा, मैक्सिमम बच्चे ले लेते हैं, 4 क्या रहेगा नेक्स्ट यहां पे जो है 1, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे 1030 और 1 जोड़ देंगे तो क्या आ गया 1031। तो हमारे पास क्या आ गया 1031। इतना बड़े आराम से समझ आ रहा है बच्चों को, हमने बिल्कुल सिंपल सा काम किया। क्या किया, 0.01 की वैल्यू को किसमें देखा 3 में, वो आ गई 1030, और फिर हमने देखा 4 में वो क्या आ गई 1, इन दोनों को जोड़ दिया 1031 आ गया। इतना काम सब कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना कि क्या करेंगे हम, पहली डिजिट के बाद डेसिमल बांधेंगे, हमेशा फिक्स रूल है, चाहे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो चाहे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव साइन आ जाए, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है कि आपने क्या करना है पहले के बाद डेसिमल, और इनटू क्या कर देना है 10 की पावर जो चीज यहां पे लेफ्ट में है, 10 की पावर क्या है 31, दैट इज योर केसी वैल्यू। कई बार कंपटीशन का अगर बात करें, कंपटीशन में लॉग टेबल तो अलाउड होता नहीं, मगर लोग केसी के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आप कहेंगे सर कंपटीशन में तो लॉग टेबल अलाउड नहीं है, वहां क्या करेंगे, वहां बस हम इतना देखते हैं कि लॉग केसी जो भी आ गया, जो भी डेसिमल से पहले है, आपके आंसर में 10 की पावर क्या हो जाएगा 31, क्योंकि लॉग टेबल तो हमारा एंटी लॉगरिथम तो है नहीं मेरे पास, तो वहां पे हम केवल ये चीज देखते हैं कि भाई 10 की पावर क्या दिया हुआ है, तो 10 की पावर क्या हो गया 31। क्लियर है यहां तक सबको? अब ध्यान से देखिए, अब नेगेटिव के केस में क्या करेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मान लो यही मेरे पास नेगेटिव में आ गया, लॉग केसी इक्वल टू -33.0139 कुछ भी ले लो जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब मैंने नेगेटिव का केस ले रहे हैं, नेगेटिव केस में क्या करेंगे बेटा कि हम एंटी लॉगरिथम निकालेंगे, एंटी जो भी चीज यहां बड़ी है, जैसे -33 है तो एक वैल्यू बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 34, तो क्या हो जाएगा 34 बार। मान लो मेरे पास यहां पर -8 होता तो मैं क्या लिखता 9 बार, मेरे पास -0 होता तो क्या लिखता 1 बार, मेरे पास होता -10 11 बार, मेरे पास होता -100 तो 101 बार। जो भी है उसमें एक ऐड कर देंगे, यहां वाली वैल्यू में एक ऐड कर देंगे, और जो चीज राइट हैंड साइड में दी हुई है उसको एक में से घटा देंगे। अब इस वाली वैल्यू को एक में से घटा दो, अब आपको इतना मैथ आती है कि एक में से घटाएंगे क्या होगा, 10 में से बन गया 9 गया 1 6 8 9, तो आपने जब 0.0139 को 1 में से किया तो आपका ये आ गया, बस इतना काम करना, थोड़ा सा ये हटके है। मैं दोबारा बताया तुम क्या करना है, नेगेटिव के केस में जो भी चीज दे रखी है डेसिमल से पहले उसमें एक ऐड करके उसको बार में कन्वर्ट कर देंगे, और जो चीज राइट हैंड साइड में दे रखी है उसको हम एक में से घटा देंगे, ये आ गया बस। अब सेम हुई, अब मुझे क्या करना है लॉग देखना है 0.98 का, यहां मेरे पास अवेलेबल नहीं है ठीक है, मगर आपके पास एंटी लॉगरिथम है उसमें से देख लेते हैं कि 0.98 का 6 और 1 में हम देखेंगे। अब जैसे मेरे को बुक के पीछे दे रखा है, अगर हम बुक को लेते हैं एंटी लॉगरिथम यहाँ पे दे रखा है, तो एंटी लॉगरिथम में जाते हैं
तो यहां दे रखा है 0.898 का, तो 0.98 पे गए, उसके 6 में गए, उसके 6 में वैल्यू दे रखी 9705, और 1 पे जो वैल्यू गिवन है वो 2 गिवन है, तो 9707 मेरे पास वैल्यू आ गई 9707.98 का। तो क्या करूंगा, सेम वही कॉन्सेप्ट क्या अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एंटी लोग देखकर जो भी वैल्यू आएगी पहले के बाद क्या कर देना है, डेसिमल। तो हमने पहले के बाद क्या पा दिया, डेसिमल, और इनटू क्या कर दूंगा, जो चीज लेफ्ट में पड़ी है अब ये बार में है तो -34। तो केसी की वैल्यू जब नेगेटिव वैल्यू देखते हो तो 10 की पावर माइनस में वैल्यू आएगी, जब पॉजिटिव देखते हो 10 की पावर पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। तो केसी क्या हो गया 9.707 × 10⁻³⁴। ये दो केसेस हैं, अगर आप इन दो केसेस को ढंग से कर लेते हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो मैंने अभी रूल बताए हैं लॉग के, इन्हीं का लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और बेल और प्रेस बेल आइकन, और मैं होप करता हूं कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।